मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सेबोनिफिकेशन रिएक्शन किया था। सेबोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि CH3COONA ये बनता है। और ये बेसिक क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, सोप्स का। किसका बेसिक फॉर्मूला होता है, सोप्स का, ठीक है ना। तो हम लोग जब सोप को डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग बेसिकली जब सोप बनाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH होता है ना, उसमें से H को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, Na लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट। तो हम लोग कहते हैं सोप्स क्या होते हैं, तो हमने कहा सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के जगह हम लोग डिटर्जेंट्स की बात करें, अगर किसकी बात करें, हम लोग डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स जो रहते हैं वो होते हैं अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो किसके सॉल्ट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप जो रहते हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। सोप क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स रहते हैं, यानी कि कार्बन कैसा होगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा। और जो डिटर्जेंट्स रहते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्रांच चेन्स कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। ब्रांच चेन्स कंपाउंड मतलब क्या रहेगा, याद है हम लोग ब्रांचेस बनाए थे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल की, ये जो सारी चीजें रहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो सोडियम सोप रहते हैं वो, उनकी चेन्स कैसी रहती है, सीधी 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 रहती है। और डिटर्जेंट्स की चेन कैसी होती है, इधर से एक ब्रांच पे टकरी होगी, इधर से एक ब्रांच पे टकरी होगी, इधर से एक ब्रांच पे टकरी होगी, इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से कुछ, ऐसी ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं कौन, डिटर्जेंट्स, ठीक है। हमने बोला जो सोप्स रहते हैं वो लैदर फॉर्म नहीं कर पाते हैं हार्ड वाटर में। यहाँ पर हार्ड वाटर कौन मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे बोरिंग का पानी रहता है। क्यों, बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। जो डिटर्जेंट्स रहते हैं वो हार्ड वाटर के साथ भी झाग बना लेते हैं और सॉफ्ट वाटर के साथ भी झाग बना लेते हैं, ठीक है ना। सोप्स बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, इजीली बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, और जो डिटर्जेंट्स रहते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जो सोप्स होते हैं वो ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं होते। इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या इंपॉर्टेंट है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप को हम लोग मिसल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल फॉर्मेशन। हमने बोला सोप जो होते हैं वो लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन 1, 2, 3, 4, 17, 18, 20, 25, 40, 50 ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। तो इतनी लंबी जो हाइड्रोकार्बन या कार्बन की चेन रहती है उसको मैसेज ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और आखिरी में लिख देते हैं COO- और Na+, तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ये सॉल्ट बन जाता है। तो हमने क्या बोलता है कि सोप्स जो रहते हैं वो लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब जो सोप रहता है उसका जो ये वाला पोर्शन होता है कौन सा, ये वाला जहाँ पे कौन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, CH3, CH2, CH2, जो ये पूरी चेन रहेगी इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये जहां पर COO- और Na+ होता है, जहां पर ये COO- और Na+ होता है, क्योंकि यहाँ चार्ज होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक पार्ट। क्या कहते हैं इसको, आयोनिक पार्ट। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक
होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब इसको पानी से क्या डर लगता है, डर लगता है इसको, क्या लगता है पानी से डर, इसलिए ये वाटर रिपेलिंग होता है, ये वाटर से दूर जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और ये जो आयनिक पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, फाइल मतलब होता है प्यार, पीएचआईएल मतलब क्या होता है प्यार, तो ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है, इसे पानी से प्यार होता है, ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ये वाटर की तरफ क्या होता है अट्रैक्ट होता है। अब मानो मैंने अगर एक कंटेनर में क्या करा पानी लिया, मैंने क्या करा एक कंटेनर में पानी, ठीक है, तो ये कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है ना। और इस पानी के अंदर मैं क्या डाल दूंगी, सोप डाल दूंगी, इस पानी के अंदर मैं क्या करूंगी, सोप डाल दूंगी। तो जब इस पानी के अंदर मैं क्या करूंगी, सोप डालूंगी, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, जिसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा ये पानी के बाहर रहेगा, और जो आयोनिक पार्ट होगा वो क्या रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल्स खुद को पानी के अंदर कुछ इस तरीके से जमा लेंगे कि ये जो आयनिक पार्ट है CO-Na+, ये कहाँ रहेगा, पानी के अंदर, क्योंकि इसको तो पानी से क्या होता है प्यार होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या रहेगा, पानी के बाहर, ठीक है ना। अब लेकिन मैंने क्या करा, अब मैंने इसके अंदर एक गंदा कपड़ा डाला, क्या डाला है, गंदा कपड़ा, ठीक है, जिसकी मुझे क्या करनी है, सफाई करनी है, और इस कपड़े पे लगे हुए हैं बहुत सारे दाग, आया समझ में। अब जब इस कपड़े को मैं पानी के अंदर डाल दूंगी, जब इस कपड़े को मैं क्या करूंगी, पानी के अंदर डाल दूंगी, इस कपड़े पे क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, और ये दाग, आई बात समझ में। और जब मैं पानी को हिलाऊंगी ऐसे 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 एजिटेट करूंगी, हम लोग सरफ घुमाते हैं ना बकेट में, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं जो ये पानी के अंदर चले जाएंगे, सोप मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, पानी के अंदर, जिस वजह से ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स है एक तरीके से एक ओरिएंटेशन में खुद को अरेंज कर लेंगे, सच दैट कि जो भी ठीक है। चलो ये हमने शर्ट डाला किसमें, कंटेनर में जहां पर हमको कपड़े धोने, अब जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को कैसे अरेंज कर लेंगे, जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को कुछ ऐसे अरेंज कर लेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो बीच में आ जाए, और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो क्या हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए। तो जो दाग होगा, दाग किसका बना होता है, जो भी हमारा डर्ट है, डस्ट है, या ग्रीज है, या कितनी बार तेल के दाग होते हैं, ऑयल के, तो ये सारे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोप का वो कहाँ चला जाएगा, वो इस डर्ट डस्ट ऑयल ग्रीज से चिपक जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कहाँ हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है कि सेंटर में क्या है, दाग है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो दाग से क्या है, चिपका हुआ है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो रेडियली क्या है, आउटवर्ड्स है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल, क्या कहते हैं, मिसेल। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मिसेल फॉर्मेशन, क्या क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मिसेल फॉर्मेशन, तो उसमें ही लिखना रहता है कि जो सोप मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो नॉर्मली पानी के अंदर खुद को कैसे अलाइन करेंगे, ऐसे जैसे ऊपर वाले पे कर रहे हैं। लेकिन 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 क्या होगा जब हम लोग इसके अंदर कोई शर्ट डालेंगे, या शर्ट के ऊपर क्या होंगे, डर्ट डस्ट ये सब चीजें होगी, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मिसेल के बीच में आ जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो रेडियली आउटवर्ड्स आ जाएगा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कैसे आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिसेल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिसेस। अब एक बार मिसेल फॉर्मेशन हो गया, एक बार मिसेल फॉर्मेशन हो गया, फिर जब आप कपड़े को ऐसे ऐसे रगड़ते हो या एजिटेट करते हो, तो जो डस्ट है वो इस मिसेल के साथ बाहर आ जाती है और पानी में चली जाती है, यानी कि जो डस्ट रहता है और जो सोप रहता है वो एक कोलोइड बना लेता है, ड्यू टू आयरन आयन आयन रिपल्शन, ड्यू टू आयन आयन
रिपल्शन एंड इट स्टेज इन वॉटर, एंड इट स्टेज इन वॉटर। और हम लोग हमारा जो शर्ट है उसको क्या करेंगे, पानी के बाहर निकाल देंगे तो शर्ट क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। इज दैट क्लियर? अब देख कि जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में लैदर नहीं बनाते, सोप्स जो रहते हैं वो हार्ड वाटर में झाग नहीं बताते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यों, व्हाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लैदर विद हार्ड वाटर, यहाँ पे रहेगा व्हाट इज कम। तो जब सोप क्या करते हैं, हार्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, जब सोप क्या करते हैं हार्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब होता है एक तरह का इनसॉल्यूबल सॉल्ट। क्या होता है एक तरह का इनसॉल्यूबल सॉल्ट, मतलब एक ऐसी चीज जो पानी में घुलेगी नहीं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्यों बनता है व्हाइट इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं, सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं तो ये जो क्या बनता है, ये पानी से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्कम। सोप से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्कम बनाते हैं। और ये स्कम जो है ये सोप और वाटर का रिएक्शन होने नहीं देता, ये सोप और वाटर का रिएक्शन होने नहीं देता, जिस वजह से और ज्यादा झाग नहीं बन पाती। इसलिए सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ लैदर फॉर्म नहीं करते। इज दैट क्लियर? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन सोप रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है, सो दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट डज नॉट अलाउ फर्दर रिएक्शन ऑफ सोप ड्यू टू विच लैदर इज नॉट फॉर्म। ठीक है, देखो जो तुमको क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप अभी समझाया था ना, उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। सोप मॉलिक्यूल्स हैव टू एंड्स, एक कौन सा होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी में डिजोल्व होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व होता है। व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप विल अलाइन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखा था ऊपर ऊपर हाइड्रोफोबिक था, ठीक है, एंड आयोनिक एंड इन वाटर, और जो गोले गोले थे वो पानी के अंदर थे। ठीक है ना, इन साइड वाटर द सोप्स फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल विद इन विच हाइड्रोफोबिक टेल्स आर एट द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। देखा था हाइड्रोफोबिक टेल ऐसे बीच में थी क्लस्टर के, एंड हाइड्रो इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयोनिक एंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। आयोनिक एंड्स कहाँ थे, क्लस्टर के बाहर इधर इधर। ठीक है, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसल। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयल डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। अब हमको ऐसे ऐसे करके कपड़े को हम लोग ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। एजिटेशन क्यों जरूरी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन होता है, तो हमने बोला द मिसल स्टे इन द सोल्यूशन एज दे एज अ कोलॉइड। ठीक है ना, ये कोलाइड नहीं है, कोलॉइड है, एंड विल नॉट कम टूगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ द आयन आयन रिपल्शन। दस द डॉट इज सस्पेंडेड इन द मिसल्स इज इजिली रिंस अवे। तो हम लोग जो पानी को खंगालते हैं उसमें मिट्टी मिट्टी निकल जाती है और कपड़ा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुम्हारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होता है, यदि क्वेश्चन आता है इधर से वो क्या होता है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। ठीक है ना, इट पहली बात क्या होता है, इट टेंड्स टू स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारा जो इनडाइजेशन होता है और जो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो सारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। सेकेंड, डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्पीड रहती है रिस्पॉन्स करने की, वो क्या कर देता है, ये उसको दबा देता है, मतलब हमारी सोचने समझने की सबसे थोड़ी क्या कर देता है, ये कम कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप ढंग से चल फिर नहीं पाते, मेंटल कंफ्यूजन, लोगों को पहचान नहीं पाते, ड्राउजीनेस, आपको चक्कर आते, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस, आप खुद को रोक नहीं पाते, एंड फाइनली स्टुपोर, और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, द इंडिविजुअल लूजेस हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आर सीरियसली इम्पेयर्ड। तो इन सारी वजह से हमको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट जो अल्कोहल होता है ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है ना, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है इंडस्ट्रियल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ऐसे में क्या होता था, पहले वर्कर्स वर्कर्स अल्कोहल पी लेते थे,
उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, काम भी सही से नहीं हो पाता था, इसीलिए लोगों ने अल्कोहल को मिस यूज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या मिलाना स्टार्ट कर दिया, मीथेनॉल। क्या मिलाना स्टार्ट कर दिया, मीथेनॉल। आई बात समझ में? तो अल्कोहल का या इथेनॉल का मिस यूज प्रिवेंट करने के लिए इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, जैसे कि मीथेनॉल, ठीक है ना। इसमें डाइज भी ऐड करे जाते हैं, जैसे कि स्पेशली इसमें ब्लू विट्रोल यूज होता है। क्या यूज होता है? जैसे जो नी नेचर अल्कोहल होता है उसका कलर स्पेसिफिकली कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो अगर आपको ब्लू कलर का अल्कोहल फैक्ट्री में आता हुआ दिख रहा है, मतलब उसमें जहरीले पदार्थ हैं जैसे कि मीथेनॉल, तो उसे नहीं पीना है। क्यों? बिकॉज जो मीथेनॉल होता है, जो मीथेनॉल होता है वो इमिजिएटली ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, मीथेनल बना लेता है। क्या बना लेता है? मीथेनल। और ये हमारे ब्लड को कोगुलेट कर देता है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड को कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मतलब जैसे दूध से दही जमता है ना, वैसे ये हमारे खून को क्या करता है, जमा देता है। तो ऐसा अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारी इमिजिएटली डेथ भी हो सकती है या फिर हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डिनेचर्ड अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। इज दैट क्लियर? एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फिजिकल फॉर्म्स इज नोन एज एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन जो है वो दो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रादर तीन। एक तो डायमंड के फॉर्म में, एक ग्रेफाइट के फॉर्म में, और एक बकमिंस्टर क्लोरीन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर क्लोरीन। अब अगर डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, तो जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जो डायमंड रहता है उसमें हर एक कार्बन एटम जो रहता है चार दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच रहता है इन अ थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ये कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन पीछे की तरफ। आया समझ में? फिर वापस से ये वाला जो कार्बन होगा, एक इधर से जुड़ा हुआ होगा, एक इधर से जुड़ा हुआ होगा, एक इधर से, और एक कहाँ से, पीछे की तरफ। तो डायमंड में हर एक कार्बन एटम किसके साथ जुड़ा होता है? फोर अदर कार्बन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ये हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से। ये देखो हेक्सागन बन रहा है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तीन। यानी कि हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। कभी कभी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, तो हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट में जो एक कार्बन रहता है वो कितने कार्बन से अटैच रहता है, तीन। तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमेशा फ्री रहता है, किस चीज के लिए, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? डायमंड बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। डायमंड की डेंसिटी 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर होती है और ग्रेफाइट की डेंसिटी कितनी होती है, 2.5 ग्राम पर mm। क्योंकि ग्रेफाइट की जो ये स्ट्रक्चर्स रहती है, ये एक हेक्सागोनल रिंग, तो ये एक शीट होती है रिंग की, ये दूसरी शीट होती है, और ये शीट एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। इसलिए ग्रेफाइट जो है एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ग्रेफाइट एज अ ल्यूब्रिकेंट क्यों यूज होता है, तो हम लोग कहते हैं जो ग्रेफाइट रहता है उसमें जो शीट्स रहती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। क्योंकि एक दूसरे पे क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, इसलिए ये क्या होता है, एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है, ठीक है। कार्बन का जो थर्ड एलोट्रोप रहता है वो रहता है बकमिंस्टर क्लोरीन। ये किसने डिस्कवर किया था? HW प्रोटो, RF कर्ट और RE स्मॉली ने, ठीक है ना। इसमें एक केज जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके तीन फॉर्म्स आते हैं, C60, C70 और C80, ठीक है। इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स रहती है और ये फुटबॉल जैसा दिखता है। बकमिंस्टर का जैसा एक आर्किटेक्चर, मतलब बकमिंस्टर नाम का एक आर्किटेक्ट था जिसने एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग का, उसी स्ट्रक्चर के नाम पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरी। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं?
ऐसा माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे की सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बन सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं बन सकते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई वाइटल अमेजिंग बहुत जरूरी फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काम होता है, और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी, इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने साइंटिस्ट ने क्या करा था, यूरिया से, किससे, यूरिया से क्या बनाया था, सॉरी अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। ठीक है ना, तो अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया था। इसके पहले हमको क्या लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करता है, लैब में अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, और इस थ्योरी को क्या किया था, फेल किया था। इज दैट क्लियर? लेगा तो फ्राइडरिच वोलर ने अमोनियम साइनेट से क्या किया था, यूरिया बनाया था लैब में, और इस थ्योरी को क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। ठीक है, एक चीज और आती है यहाँ से, अल्कोहल एज अ फ्यूल। क्या आती है, अल्कोहल, अल्कोहल एज अ फ्यूल। तो अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, जब बर्न होता है, तो हमने क्या बोला, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हमेशा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो हम लोग ने क्या करा था, अल्कोहल जो है इसको क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे देशों में पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं और फ्यूल में मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने आप में बहुत बड़े पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारी गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है एक तो इसको ड्रास्टिकली क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और दूसरा जो एंड प्रोडक्ट होते हैं कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो बहुत मेजर पोल्यूटेंट्स नहीं होते, इसलिए अल्कोहल एज अ फ्यूल भी यूज होता है। इज दैट क्लियर? विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।